कोर्ट has मतलब directed the state to file their affidavit. वे फाइल दिया The करता affidavit has been था filed by इन the कंप्लायंस ऑफ state. क्या कहा नाइन आपने, ऑर्डर डेटेड 9/11/2000। इनफैक्ट मालोट, दिस इशू ऑफ कंपिटेंसी हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय दिस कोर्ट मालोट। जी इन रिगार्ड टू दैट मालोट, वी हैव फाइल्ड वन ऑर्डर पास बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट जी व्हिच इज एन एक्जर A4 पेज 16। जी मैं बताऊं 5 मिनट के सब सबको बताना था। The only question raised by the petitioner is that the CEO was not competent. The principal secretary of the state has very categorically stated that the appointment of the present CEO is as per the section 23. I am reading section 20. तारीख को, एक सेकंड, एक मिनट रुकिए, पहले लेट हिम कंप्लीट, लेट मी सी दिस ऑर्डर सर। मैं, दिस इज द ऑर्डर अनेक्स दैट पेज नंबर 16 16 मालूम, जी ऑपरेटिंग पैराग्राफ इज एट अनेक पेज 25 पेज 25 यस जी। पैराग्राफ 10 इज द एज पर दिस सेट सेक्शन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज सीईओ इज दैट ही शैल बी ए मुस्लिम, ही बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम अ पैनल ऑफ टू नेम्स सजेस्टेड बाय द बोर्ड एंड ही शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी सेक्रेटरी जी। देन अभी जो आफ्टर आपने जिस पैराग्राफ, सज्जन को किया था अपॉइंट सर सर तो बाबू दिखाई दे रहे हैं। नहीं सर, ही इज इनफैक्ट ही इज नॉट द क्लर्क मलट, नहीं ही इज पोस्टेड ऑन डेप्यूटेशन नहीं नहीं किस पद पर है उनका सब्सटेंटिव पोस्ट क्या है सर, ही इज इन रैंक मतलब इन सीरियल वाइज ही इज नंबर 3 इन द वी आर नॉट डिपार्टमेंट। कंसर्न विद इट व्हाट इज हिज सब्सटेंटिव पोस्ट ही इज टास्क मैनेजर मलट, है ही इज टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर जी। डिप्टी सेक्रेटरी के बराबर होते, ऐसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एफिडेविट फाइल करा दीजिए दैट टास्क मैनेजर इज इक्विवेलेंट टू द डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। नहीं सर, आपका आप कहना बिल्कुल सही है सर, मैं सिर्फ एक मिनट नहीं 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 जी सर। मुकेश जी भी जो है बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलवा लेते हैं या तो वो समझाएं कैसे होते हैं टास्क मैनेजर और ये टास्क मैनेजर की पोस्ट कहां से आई, क्या सेटअप है। सर डोंट ट्राई टू बीफूल द कोर्ट, नहीं नहीं सर बिल्कुल, वी नो दैट हाउ टू डील विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। नहीं सर, ऐसा कभी हम लोग सरकार की तरफ से कभी नहीं होगा सर। मिस्टर तो बताएं, अगर डिप्टी सेक्रेटरी नहीं है तो इसका अपॉइंटमेंट गलत है, आप अपॉइंट करिए डिप्टी सेक्रेटरी, इट इज योर प्रेरोगेटिव सर। एक मिनट निवेदन सर, एक मिनट, विल सेट असाइड दिस ऑर्डर, यू अपॉइंट अ प्रॉपर सीईओ इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोविजन सेक्शन 23। सर दिस इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन हैज बीन डन बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट मलट। आई विल नॉट गो बाय दैट इंटरप्रिटेशन, आई हैव माय ओन इंटरप्रिटेशन, आई एम सॉरी टू से सर, अनलेस यू फाइल एन एफिडेविट ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी दैट टास्क मैनेजर इज होल्डिंग अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू द डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर सर। यही फाइल किया हमने, कहां है पढ़िए, किस पैराग्राफ में लिखा है, एक निवेदन मेरा सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़िएगा, कहां लिखा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, टू मुस्लिम ऑफिसर्स शुड बी गॉट फ्रॉम वक्फ बोर्ड एज देर आर नो ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी और अबव और इक्वलेंट टू द डेप्यूटी सेक्रेटरी वर्किंग इन वक्फ बोर्ड, हेंस पैनल कुड नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम द वक्फ बोर्ड एज मेंशन इन सेक्शन 23। सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मुस्लिम ऑफिसर ऑफ दैट रैंक इन द बोर्ड, अ मुस्लिम ऑफिसर ऑफ इक्वलेंट रैंक मे बी अपॉइंटेड ऑन डेप्यूटेशन। द वर्ड यूज इन The legislation is equivalent rank. The dictionary meaning of equivalent. एक बोल जाइएगा यहाँ पर सर सर सर। पढ़ेंगे इसको फिर से पढ़ेंगे। जी. The word used in legislation is equivalent rank. जी. The dictionary meaning of equivalent rank is similar in pay, grade or functions. जी. Thus, it is clear that pay scale is not the sole criteria to be same for a person to be of equivalent rank. जी. While it is admitted fact that the position of Shri Jafri, who has been appointed as does not have pay equal to deputy secretary, but the word used in law is not equal but equivalent. अच्छा तो क्या होता है equivalent का dictionary meaning बताइएगा सर मेरा। नहीं, एक सेकंड आने का, जब जब अंग्रेजी सीखना ही है तो पूरी सीखे ना सर, ठीक है, बताइएगा equivalent का क्या मतलब होता है, इन्होंने बता दिया equivalent का क्या मतलब होता है थोड़ा सा बताइएगा। इनफैक्ट नहीं नहीं अरे भाई, इन्होंने वर्ड यूज इन रजिस्ट्रेशन इज इतना, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इज बताया, ठीक है ना जी। उसके बाद इन्होंने कहा दस इट इज क्लियर दैट पे स्केल इज नॉट द सोल क्राइटेरिया
to be equivalent. While it is admitted fact that position of Mr. Jafri, who has been appointed as CEO, does not have pay equal to, but the word used in the law is not equal but equivalent. Yes, sir, इसपे pay भी इनकी equal है. In fact, this fact. फिर ये principal secretary गलत affidavit file कर रहे हैं, इनका contempt हो जाएगा. नहीं sir, इसमें असल में in fact क्या है? नहीं नहीं. This subsequently this has been brought by the Waqf board in the return. We don't know. This is affidavit of your principal secretary ना? किसने दिया ये affidavit? अशोक बर्नवाल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी. तो ये गलत एफिडेविट क्यों दे रहे हैं ये? नहीं सर, इनफैक्ट दिस इज द अर्ली एफिडेविट बट इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर 911. द लॉ इज वेरी क्लियर जी. लॉ सेज दैट ही कैन बी ब्रॉट ऑन डेपुटेशन. डोंट ट्राई टू मिसलीड द कोर्ट. सर सर सर, आई एम क्वेश्चनिंग दिस अपॉइंटमेंट एंड यू मे प्रोसीड टू अपॉइंट अ फ्रेश सीईओ, न्यू सीईओ टू द वक्फ बोर्ड. सर अगर अनुमति, यू कैन ब्रिंग हिम ऑन डेपुटेशन फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट. इट इज नॉट योर एफिडेविट दैट नो मुस्लिम ऑफिसर इन द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी इज अवेलेबल इन द होल ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ये आपने नहीं कहा. आपने कहा कि वक्फ बोर्ड में नहीं है. सर इसमें जो लैंग्वेज है वो ये है, हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट. टू द स्टेट गवर्नमेंट वर्ड इज वेरी क्लियर. डिप्टी सेक्रेटरी टू द स्टेट एंड इन केस ऑफ नॉन अवेबिलिटी ऑफ अ मुस्लिम ऑफिसर ऑफ दैट रैंक. कहा? स्टेट गवर्नमेंट में. इट इज नॉट फ्रॉम, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ सीईओ फ्रॉम विद इन द वक्फ बोर्ड. सर एंड इन अ मुस्लिम ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक में भी अपॉइंटेड ऑन डेप्यूटेशन. अगर स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है तो वो बाहर से ला सकती है डेप्यूटेशन पर. ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको, आप विदड्रॉ करना चाहते हैं कि हम उनको बुला लें. सर वील फाइल अ फ्रेश एफिडेविट. नो नो सर, I'll not permit you all this. Today, I'll quash the appointment holding that your person does not fulfill the requirements of section 23 and the affidavit is misleading. But if I may be permitted, my lord. 5 tarikh ko CEO apne principal secretary ko bula lijiye. We'll let him explain it. Either you withdraw this or I am issuing contempt notices to your principal secretary. I'll seek instructions, my lord, in this case. 2:15 baje aa jaiye. We'll mere ek nahi bhi. You either you withdraw your affidavit. Sir, we'll withdraw. It's absolutely we'll, misleading. We'll or I'll draw contempt. My lord, I'll withdraw. Let it be clear to your principal secretary. I'll withdraw this contempt, this affidavit, my lord. 2:15 baje bataiye. 2:15 baje instructions le lijiye. Sir. इतने ज्यादा आप लोग मोटिवेटेड होके काम मत करिए. नहीं सर, आप कोर्ट्स को ये मत उम्मीद करिए कि कोर्ट्स आपकी लाइन टो करने के लिए बैठे हैं. वी आर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. वी आर अवेयर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस. दैट्स ट्रू. वी आर आल्सो असिस्टिंग दिस ऑन. यू आर नॉट असिस्टिंग दिस काइंड ऑफ एफिडेविट वेयर योर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज ट्राइंग टू टीच अस इंग्लिश लैंग्वेज is really a shame on your state government. I apologize. He should first read the language. He should go through the dictionary and understand what is the meaning of equivalent, what is the language employed in the section. We are not required to learn interpretation of law from him. 2:15 baje. Apologize. Over. Lots of best.